नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। खेतड़ी की कोलिहन खदान मौत की खदान साबित हुई। जब लिफ्ट का तार टूटा तो समझ में आया कि यहाँ सिस्टम का तार कभी व्यवस्थाओं के साथ कनेक्ट ही नहीं था। सोचिए जरा, 15 लोग 16 घंटों तक फंसे रहे, एक की जान चली गई। 15 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन इस दौरान सवाल उठता रहा कि हादसे की वजह क्या थी। क्या लिफ्ट में क्षमता से ज्यादा लोग थे? क्या लिफ्ट की मेंटेनेंस नहीं हो पाई? क्या खदान मालिक मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था और उस खेल के शिकार खदान के अधिकारी हो गए? जरा सोचिए, जो व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए कोलकाता से टीम आई, वो अपने एक अधिकारी का मुर्दा जिस्म साथ लेकर जाएगी, ये सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन है? लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या यह महज हादसा है या फिर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी साजिश। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, श्याम सिंह कटेवा जी हैं जो विषय विशेषज्ञ हैं। शुरुआत आशीष चतुर्वेदी जी आपके साथ। जरा ये बताइए, इस वक्त रेट क्या चल रहा है कि बिना निरीक्षण किए, बिना व्यवस्थाओं को जांचे किसी को एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि हाँ यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, क्या रेट चल रहा है इस चीज़ का? देखिए विजेंद्र जी, ये जो हादसा हुआ है बहुत ही दुखद घटना है, और कल रात को जब वो लिफ्ट से ऊपर आ रहे थे उस टाइम चेन टूट गई और जिससे 15 लोग जो फंसे रहे, और इसमें एक जो CVO हैं उपेंद्र पांडे जी, उनका निधन हुआ है और बहुत ही दुखद ये घटना है। हम आपके चैनल के माध्यम से संवेदना प्रकट करते हैं उस परिवार से, क्योंकि निश्चित रूप से आप जैसा कह रहे हैं ना कि जब वो टीम आई होगी तो किसी ने इस तरह से सोचा नहीं होगा। देखिए विजेंद्र जी, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसको कि जस्टिफाई कोई भी नहीं कर सकता है। सर मैंने बहुत बेसिक सवाल किया था, मैं दर्द से भरा हूं, रेट तो बताइए भाई, रेट क्या चल रहा है एक सर्टिफिकेट देने का कि हाँ आपके खदान में सब कुछ सही है, क्योंकि अधिकारी उतरे ना, कितने मजदूर उतरे होंगे और कितने मजदूर अभी भी फंसे होंगे नीचे, उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। बीते 20 घंटों से जो मजदूर उस लिफ्ट के जरिए 1800 फीट नीचे पाताल में उतरे होंगे, वो बाहर थोड़ी ना आए हैं, वो तो अभी भी फंसे होंगे वहीं पर। विजेंद्र जी, जैसे ही ये घटना हुई रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया, मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हुई, केंद्रीय खनन मंत्री ने भी मुख्यमंत्री जी से बात करी और सारा प्रशासनिक अमला वहां पर लगा रहा, SDRF की टीम वहां पर थी। देखिए मैंने कहा ना कि कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, जहां तक कारणों की बात है निश्चित रूप से कारणों को पता लगाया जाएगा। विजेंद्र जी, अभी पहली प्राथमिकता क्या है? अभी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? कोई समस्या नहीं है, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा सर, अचानक से सब कुछ गिर गया। हुआ है तो प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। आप मान के चलिए ये नया भारत है, इसमें जिम्मेदारी तय होगी, जो भी लोग जिम्मेदार हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिम्मेदारी तय होगी सर, वो मजदूर बेचारे ये कह रहे हैं कि हम कई महीनों से शिकायत कर रहे हैं कि इसकी मेंटेनेंस कराइए, लिफ्ट में समस्या है, किसी ने सुना नहीं, मजदूरों की जिंदगी की कीमत थोड़ी ना होगी सर। आप मान के चलिए जिम्मेदारी तय होगी जी, आपको आपके ध्यान में, लेकिन मैं फिर आपसे वही सवाल कर रहा हूँ भाई, रेट तो बताइए सर कि सर्टिफिकेट देने का रेट क्या चल रहा है कि आपको मिल जाएगा, आप मेंटेनेंस कराइए मत कराइए, आप मेंटेन रखिए मत रखिए, बस ये अमाउंट दीजिए और अपने यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाइए कि सब मेंटेन है। विजेंद्र जी, ये जो उपक्रम है ये भारत सरकार का उपक्रम है, ठीक है, इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो भी इसमें लापरवाह होगा, जो भी जिम्मेदार होगा, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और इसके पहले भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं ना, आपको ध्यान होगा जब नेशनल हाईवे पे काम चल रहा था उत्तराखंड में, काम चल रहा था, हादसा होने एक अलग बात होती है और लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से जिंदगियों को जाना ये एक अलग बात है, दोनों को आप एक श्रेणी में नहीं रख सकते। राजकुमार शर्मा जी, सर क्या वाकई में आप इसको हादसा ही मानते हैं? और मेरा सवाल यह कि ऐसा नहीं है कि खदान में अचानक से कुछ बदल गया होगा, 4 महीने के अंदर अचानक से सब कुछ व्यवस्थाएं बदल गई होंगी,
आपके आपके वक्त में क्या रेट चल रहा था? विजेंद्र जी, रेट तो कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, फर्स्ट इंडिया चैनल पर जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और जो घायल हैं उनके अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और आपके चैनल पर सरकार से मांग करता हूं कि जिन लोगों की भी इसमें लापरवाही है उसमें उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लापरवाही भविष्य में ना हो, उसके लिए कोई ना कोई अच्छा सुधार किया जाए। मेंटेनेंस नहीं हुई होगी, यही लापरवाही होगी ना? बिना मेंटेनेंस के सर्टिफिकेट दे दिया गया होगा कि हाँ सब कुछ मेंटेन है, यही लापरवाही होगी ना? आप कह रहे हैं भाईबंदी में हो गया है। कुछ ना कुछ तो लापरवाही कहीं ना कहीं रही है और उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच भी बहुत गंभीरता से होनी चाहिए, और उसमें जो भी दोषी हो उसको सजा के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अजीत जी, जरा बताइए कितने मजदूर अभी नीचे फंसे हुए हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि नीचे सब खाली पड़ा होगा? नहीं, निश्चित रूप से जब खदान है तो उसमें मजदूर रहे होंगे। अब ये पता लगाना है कि भाई ये जब जो गए थे, जब ये लिफ्ट आते टाइम जब टूटी है तो निश्चित रूप से मजदूर होंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि जिस तरह से तो नया भारत 15 अधिकारियों को बचाया गया, नया भारत, सभी मजदूरों को सकुशल निकाला जाएगा जी। विजेंद्र जी, सबको निकाला जाएगा की स्थिति में कि कितने मजदूर हैं सर नीचे? निश्चित रूप से मुझे नहीं पता उनके लिए कोई खाद्य सामग्री? अरे फैक्ट है ना, मुझे नहीं पता है। 16-18 अरे विजेंद्र जी, हर आदमी सर्वज्ञ थोड़ी होता है। क्या खिलाया जा रहा होगा नीचे? विजेंद्र जी, हर आदमी सर्वज्ञ नहीं होता है आपकी तरह, और सर्वज्ञ आप भी नहीं है जी। सर मैं तो कॉमन मैन हूं। हाँ। मैं उस दर्द को समझ रहा हूं कि 1800 फीट नीचे पाताल लोक के अंदर हैं वो लोग, और हम ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कितने और कैसे हैं। हमारे साथ श्याम सिंह कटेवा जी जुड़ गए हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। श्याम सिंह जी, मेरा बहुत बेसिक सवाल है सर भाई, या तो मेंटेन हुई नहीं होंगी चीजें इसलिए हादसा हुआ, या मेंटेन दिखा दी गई होंगी इसलिए हादसा हुआ? क्योंकि जब मजदूरों से बातचीत की गई तो वो कह रहे हैं कि हम कई महीनों से आरोप लगा रहे हैं, कई महीनों से शिकायत करें कि इस लिफ्ट को मेंटेन कराइए, इसमें दिक्कत है, कोई सुनने वाला ही नहीं था। सर आप लग रहे हैं महज ये हादसा है, आपको लगता है? श्याम सिंह कटेवा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए उनको जोड़ने की कोशिश वापस करेंगे, क्योंकि वो बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे कि आखिर क्या वहां हुआ है। लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि लापरवाही और हादसा किस तरीके से हुआ है। जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लापरवाही हुई है उसको जरा समझिए। पहले तो टाइमिंग ही समझ लीजिए। मंगलवार रात 8:10 पर टीम के बाहर आते समय लिफ्ट की चेन टूटी, और दोपहर 12:45 पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है। लेकिन इस दौरान जितना आप टाइमिंग को देखेंगे उसमें बस आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि पूरा फोकस उन 13 लोगों पर रहा जो लिफ्ट के अंदर फंसे थे। मेरा सवाल यह है कि नीचे और भी तो मजदूर होंगे भाई, उनके बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि उनके बारे में तब भी नहीं सोचा गया जब वो कह रहे थे कि लिफ्ट में दिक्कत है, लिफ्ट खराब है, लिफ्ट को मेंटेन कराइए, और आज भी उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन हादसे में स्थानीय अधिकारियों की जो लापरवाही सामने आई वो किस तरीके से जिंदगी पर भारी पड़ी है ये हम आपको समझाते हैं। जरा देखिए, क्योंकि लापरवाही तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लिफ्ट में मेंटेनेंस करने की शिकायत मिली थी केसीसी स्थानीय प्रबंधन को। केसीसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले श्रमिकों ने कई बार शिकायत दी। शिकायत पर स्थानीय प्रबंधन ने ध्यान दिया होता तो यह हादसा नहीं होता। कोलकाता के विजिलेंस टीम के अधिकारी यहां जांच करने आए और जांच करने के दौरान ही हादसे का शिकार हो गए। 2 दिन की जांच के बाद निरीक्षण टीम के साथ अचानक यह हादसा हुआ तो पोल खुली, और हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल बहुत बेसिक है भाई, जब बार बार शिकायत की जा रही थी तो क्या इसलिए मेंटेनेंस नहीं कराई गई कि मजदूरी तो है? क्या हुआ अगर कोई हादसा हो भी गया तो क्या हुआ? एक एक 2-2 लाख रुपए देके चुप करा देंगे, मुआवजा बस मजदूरों को इतना ही तो दिया जाता है, उनकी जिंदगी की कीमत इतनी ही तो है। आशीष चतुर्वेदी जी, ये सर मामला बहुत छोटा नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, और मेरा सवाल बहुत बड़ा है कि अभी भी कोई ये बात नहीं कर रहा है कि अंदर मजदूर है या नहीं है। आप ये बताने की स्थिति में नहीं है कि अंदर मजदूर फंसे भी हैं या नहीं फंसे हैं। देखिए विजेंद्र जी, मैं निश्चित रूप से ये बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि अंदर मजदूर हैं या नहीं है, ठीक है?
और कोई इस हादसे को छोटा नहीं बता रहा है। अगर आप इसके देखें, जो अभी आपने टाइमलाइन शो की थी उसमें आप देखिए कि जब से ये दुर्घटना हुई उससे लेकर के और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया गया, सरकार ने पूरी तत्परता दिखाई, जो जितना भी प्रशासनिक अमला था वो अलर्ट पे रहा और उसी कारण से हम 15 में से 14 लोगों की जान बचा पाए। और एक जो अधिकारी की मौत हुई है उसका बारे में सबको बहुत दुख है। निश्चित रूप से एक भी अगर व्यक्ति की मौत होती है किसी भी दुर्घटना में तो निश्चित रूप से वो बहुत ही अक्षम्य है। दुख आप सोचिए, बार बार शिकायत की गई, 1800 फीट नीचे जा रही है वो लिफ्ट। विजेंद्र जी, मैं ये दुआ कर रहा हूं कि शुक्र रहा भगवान का कि वो लिफ्ट का जो वायर टूटा वो नीचे जाकर नहीं टूटा। अगर वो ऊपर टूट गया होता तो हमारे सभी अधिकारी इस वक्त कहां होते हैं हम बताने की स्थिति में नहीं होते। विजेंद्र जी, श्याम सिंह कटेवा जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी, आवाज आ रही है सर आप तक? हेलो, हाँ सर आ रही है। हाँ, मेरा सवाल सर ये है कि बार बार श्रमिक शिकायत कर रहे थे कि भाई लिफ्ट के अंदर समस्या है, लिफ्ट का मेंटेनेंस कराइए। 1800 फीट नीचे तक जो लिफ्ट जा रही हो, क्या उसका मेंटेनेंस भी नहीं होता और क्या मेंटेनेंस भी कागजों में होता है? मेरा तो सबसे पहले जो आपने यह हादसा हुआ उसके लिए मैं सबसे ज्यादा ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई मानवीय भूल की वजह से शायद यह हादसा हुआ है, लेकिन इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके लिए जो कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है उनको अब आगे जांच में पता चलेगा कि किस वजह से ये हादसा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी जांच के लिए सरकार को सक्षम अधिकारियों को नियुक्त करके और उसमें जो हादसा हुआ है उनको संवेदना मेरी है और उसके जो क्लेम और मुआवजा मिलना चाहिए सबसे पहले उनको उचित राहत मिलनी चाहिए, उसके बाद पता चलेगा कि अब सर कड़वा सच मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या एक्शन होगा, लेकिन जहाँ मुआवजा दे दिया जाता है ना वहाँ मान लिया जाता है कि बस यही सजा है, उससे आगे मैंने सजा बहुत ज्यादा देखी नहीं कहीं। लेकिन मेरा सवाल इससे अलग आपसे ये है कि जरा बता पाएंगे कि खदान के अंदर कितने मजदूर एक बार में शिफ्ट में काम कर रहे होंगे? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब अधिकारियों का जिक्र तो कर रहे हैं कि वो बाहर आ गए, रेस्क्यू हो गए, लेकिन खदान नीचे खाली थोड़ी ना होगी सर, मजदूर काम कर रहे होंगे 1800 फीट नीचे। यह तो उनके रिपोर्ट से ही पता चलेगा और जो इनको परमिशन मिली हुई है उसी के हिसाब से होगा, इसका तो कोई भी अभी आकलन करना बहुत मुश्किल है कि वहाँ अंदर कितने आदमी काम कर रहे थे या उस समय कोई काम नहीं कर पा रहा। सर कोई एक ऐसी शिफ्ट होती है जिसमें खदान नीचे से खाली होती है, कोई काम नहीं कर रहा होता? ऐसी भी होती है जब आपको वर्किंग जो परमिशन मिलती है उसमें होता है कि कितने घंटे वर्किंग होगी, तो अभी इसमें ये कहना जल्दबाजी होगी कि वहाँ अंदर कितने आदमी है या नहीं है, ये पहले उनके वर्किंग आवर से पता चल पाएगा। एक और सवाल सर मेरा आपसे, क्या वाकई में आपको लगता है कि 15 घंटों के अंदर रेस्क्यू कर देना ये एक बड़ी सफलता है? क्योंकि अगर एक खदान होगी तो एक खदान के अंदर एक ही एंट्री और एग्जिट तो होगा नहीं, और भी एंट्री एग्जिट होंगे सर। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है इस समय हादसा हो गया, इस हादसे में अपने कमियां निकालने की बजाय सबसे पहले रेस्क्यू पूरा होना चाहिए और उस रेस्क्यू के अंदर अभी मैं कुछ भी बताने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वहां पे मौके वारदात के ऊपर जो आदमी अवेलेबल होता है वही बेहतर तरीके से आपको बता पाएगा। सर मैं कमियां इसलिए गिना रहा हूँ, फर्स्ट इंडिया इसलिए कमियां गिना रहा है क्योंकि इन कमियों को मजदूर बेचारे कई महीनों से गिना रहे थे, कोई सुन ही नहीं रहा था। और मैं इसलिए भी गिना रहा हूँ सर क्योंकि किसी मजदूर के साथ यह हादसा हो सकता था, यह हादसा इससे बड़ा भी हो सकता था सर। 1800 फीट नीचे लिफ्ट जा रही है, अगर सोचिए यही अगर वायर ऊपर के हिस्से में टूट गई होती तो क्या वाकई में कैजुअल्टी बड़ी नहीं होती? बिल्कुल बहुत बड़ी होती, लेकिन देखो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। अभी अपने को थिंक हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में ये देखना कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, उसका जो गलती हुई है उसके साथ में जो भी कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो एक अलग बात है, लेकिन अभी सबसे पहले जो भी अगर आपको लगता है मुझे भी है, अगर मान लो ये कि शिफ्ट के अंदर कोई मजदूर है तो उनको निकालने की कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए अगर कोई वहां पे है। सर ये तो कोई बताने की स्थिति में ही नहीं है। राजकुमार शर्मा जी, क्या 15 घंटे से ये सवाल कांग्रेस के जहन में नहीं आया कि भाई ये पता लगाया जाए बतौर विपक्ष के नाते भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मजदूर भाई नीचे फंसे हों?
कोई तो एक ऐसा बयान आए कि भाई पता चले कि हाँ नीचे कोई नहीं था, कोई नहीं फंसा हुआ है और जो फंसे हुए थे सब निकाल लिए गए। विजेंद्र जी मैंने कहा घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बयान कांग्रेस पार्टी का यही है, जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि है, जो घायल हैं अतिशीघ्र स्वास्थ्य आपकी कामना करते हैं, और जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती है उनको सजा देनी चाहिए और सजा के साथ साथ भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे साथ दोनों खड़े हुए हैं जो प्रदेश को चला रहे हैं, सरकार के तौर पर भी और विपक्ष के तौर पर भी चला रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। दोनों मिलकर मुझे बता दीजिए, मैं दो मिनट के लिए रुक जाता हूं, आप बात करके बता दीजिए कि भाई नीचे मजदूर हैं या नहीं है, कितने फंसे हुए हैं, दोनों मिलकर बता दीजिए। सर प्रदेश चला रहे हैं ना आप लोग, ये तो वहाँ रेस्क्यू चल रहा है विजेंद्र जी, वहाँ वो जो अधिकारी लगे हुए रेस्क्यू में वो तय कर रहे होंगे, और निश्चित तौर पे मैं फिर कह रहा हूँ कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तकलीफ देने वाली है, लापरवाही निश्चित तौर पे हुई है, सजा भी मिलेगी और सरकारों को दोष देना इस वक्त एकदम से एक फोन लगता है जहाँ बाकायदा आपको पता चल जाएगा कि वहाँ थे मजदूर या नहीं थे। श्याम सिंह कटेवा जी मैं गलत कह रहा हूँ सर, ये जानकारी सिर्फ एक फोन के दूरी पर ही होगी जहाँ बता दिया जाएगा कि हाँ इस वक्त में शिफ्ट थी या नहीं थी, अगर शिफ्ट थी तो कितने लोग थे, अगर नहीं थी तो भी वहाँ कितने लोग थे। मुझे सर इसमें कुछ लगता है कि इमरजेंसी एग्जिट और वो व्यवस्था होती है, तो मुझे नहीं लगता कि खाली एक लिफ्ट के सारे 1800 फीट नीचे जाया जाता है, जो एज पर माइंड सेक्ट और MMDR के हिसाब से वहाँ पे अल्टरनेटिव व्यवस्था जरूर होती है, तो मुझे लगता है हादसे में नीचे मजदूर होने की संभावना कम है। फिर भी इसका प्रॉपर रिप्लाई तो महाप्रबंधक या जो भी मैनेजमेंट है वही दे पाएगा। ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी, भाई केंद्रीय उपक्रम है, अभी तक कोई जांच कमेटी बनाई गई है कि जो जांच करे? देखिए विजेंद्र जी जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं हम, पहले सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय की कि जब ये हादसा हुआ तो जो 15 लोगों का दल नीचे गया था वो सकुशल बाहर आए, ये हमने प्राथमिकता तय की है। आप मान के चलिए कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, जो सेंट्रल माइनिंग मिनिस्ट्री है उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी एक प्रोटोकॉल होता है, निश्चित रूप से जांच कमेटी बनाई जाएगी और जो भी इस हादसे के लिए अगर जिम्मेदार होगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंग्रेजी की कहावत है आशीष जी की, प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज, है ना ये कहावत? और इसी के लिए सालाना मेंटेनेंस की जाती होगी, निश्चित रूप से जाती होगी ना। विजेंद्र जी मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ और जो इस तरह से आपने इस मुद्दे को उठाया है वाकई में काबिले तारीफ है, और हम सब जितने भी लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में लोग हैं उन सबकी भावना इसी तरह से रहनी चाहिए कि हमको एक एक जान की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा माननी चाहिए और इस तरह की कोई भी दुर्घटना भविष्य में ना हो इस तरह के नियम तय किए जाने चाहिए। आप मान के चलिए जो सरकार वर्तमान में है वो बहुत ही संवेदनशील सरकार है, इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, जिस तरह से राज्य सरकार ने अपनी टीम लगा करके केंद्रीय जो खान मंत्रालय है उसने कोऑर्डिनेट करके जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, आप खुद टाइमलाइन देखिए ना, कल 8:15 पर यह हादसा होता है, 12:45 तक सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोपहर में सर दोनों को अलग अलग कीजिए, दोपहर भी बीच में 17 घंटे होते हैं सर। देखिए विजेंद्र जी आप ये कहिए कि कल रात को 8:00 विजेंद्र जी का तार टूटा, को आज पड़ेगा को विजेंद्र जी आप 45 मिनट पर रेस्क्यू पूरा हुआ। जी आप खुद बोल रहे हैं 1800 फीट नीचे है, तो मुझे बताइए मैं ये बोल रहा हूँ तो श्याम सिंह कटेवा जी ये भी तो बोल रहे हैं कि भाई कई एग्जिट होते हैं, कई इमरजेंसी एग्जिट होते हैं। विजेंद्र जी निश्चित रूप से उन सब का प्रयोग करके तो रेस्क्यू ऑपरेशन किया होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं किया, किया है ना, और जो एक अधिकारी का निधन हुआ उस पर पूरे प्रदेश में दुख है कि भाई हम एक अधिकारी जो कि मुख्य सतर्कता अधिकारी था वो वहाँ पे विजिलेंस करने के लिए आया हुआ था, तो आप मान के चलिए कि मतलब इसको हम कोई भी सही नहीं ठहरा रहा है, लेकिन जिस तरह की जो अभी हमारी वर्तमान सरकार है, शुक्र मना रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं कि अगर ये जो टीम आई थी निरीक्षण के लिए निरीक्षण करके जी, चली गई मनाने वाली कोई बात ही नहीं ना, विजेंद्र जी शुक्र मनाने वाली बात नहीं है, विजेंद्र जी शुक्र मनाने वाली बात नहीं है, आप मान के चलिए बिल्कुल है सर, अरे विजेंद्र जी आप मान के चलिए अगर किसी की लापरवाही रही होगी, किसी की लापरवाही है तो ये तो ईश्वर ने बचा लिया है सर, अरे विजेंद्र जी लापरवाही रही होगी तो आप मान के चलिए उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। श्याम सिंह कटेवा जी सर इस तरीके की खदानों में जो मेंटेनेंस होती है वो सालाना होती है, मासिक होती है, त्रिमासिक होती है, छमासी होती है, कैसे होती है सर?
सर ये सभी चीजें गवर्न होती है, डायरेक्टर जनरल सेफ्टी माइंस है वो इसके लिए सक्षम अधिकारी होते हैं और उन्हीं की परमिशन से जो भी है माइंस का ऑपरेशन किया जाता है और वो जैसे देखते हैं वो टाइमली वो चेक करते रहते हैं और जहां जहां उनको लगता है वो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। इसमें कोई सालाना और वो कोई फिक्स नहीं है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डेली भी हो सकती है, 30 डेज पे भी है, 60 डेज पे भी है, क्वार्टरली भी है, ईयरली भी है, वो डिपेंड करता है कि मशीन कौन सी किस टाइप के यूटिलाइजेशन में हो रही है। सर एक और सवाल मेरा आपसे, क्योंकि 1960-62 के आसपास से यहाँ माइनिंग हो रही है, क्या उसी स्ट्रक्चर पर हम काम कर रहे हैं या इसको हाईटेक किया गया है 2024 के हिसाब से? सर हाईटेक नहीं होता तो ये माइन कब की बंद हो चुकी होती, हाईटेक तो 100% हुई है, नहीं तो बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बंद करने की सोच रही थी क्योंकि इसके उस टाइम पे आज से 15 या 20 साल की बात है, बीच में बहुत सारा एक्सपेंसेज होना था अपग्रेड होने के लिए, तो गवर्नमेंट ने फिर इसको दोबारा वापस बजट अलॉट करके और हाईटेक करके ही वापस रीस्टार्ट किया था। सर एक और मैं बस मेरा बस सवाल है ऐसे ही, ये संभावना हो सकती है कि क्षमता से ज्यादा लोग उसमें सवार हों? ये सब चांसेस हो सकता है कि 15 वो परमिशेबल लिफ्ट में कितने आदमी की था, ये अभी सर सारा हवाई है, जब तक आपको वहाँ क्या परमिशन थी वो नहीं मिल पाएगा तब तक क्योंकि मामला सिर्फ अधिकारियों का नहीं, हमने एक अधिकारी को तो खो दिया है, हमारे मजदूर भाई हर दिन उस लिफ्ट से ट्रेवल करते होंगे और आगे भी करेंगे, एक व्यवस्था पुख्ता तो होनी चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का वहाँ ज्ञापन भी दिया जाएगा वहाँ के कलेक्टर्स महोदय को और एक टीम भी जाएगी और सरकार से भी लगातार मांग हम पहले भी करते आए हैं, आपके चैनल पे भी मैं कर रहा हूं कि शीघ्र इसकी जांच कराई जाए और जो घायल है उनको बेस्ट से बेस्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी, क्योंकि मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। सर आपने कहा कि भाई सरकार बहुत संवेदनशील है मान लिया, आपने कहा कि सरकार बहुत तत्पर है मान लिया, तो अब जरा ये बताइए क्या कोई व्यापक अभियान चलाया जाएगा कि हर खदान के अंदर एक बार चेक किया जाए कि वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या नहीं है और यहां के लिए एक टाइम बाउंडेड जांच कमेटी बनाई जाएगी जो एक टाइमलाइन के साथ रिपोर्ट को सबमिट करे और कार्रवाई करे जो भी जिम्मेदार है। विजेंद्र जी आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर है, जैसा आपने कहा कि निश्चित रूप से इस तरह की जितनी भी खदानें होंगी उन सब का निरीक्षण करके कि अगर इस तरह की कोई लापरवाही क्या दूसरी जगह तो नहीं है, और निश्चित रूप से सरकार की तरफ से भी और केंद्रीय जो खनन मंत्रालय उसकी तरफ से भी इसकी जांच कमेटी बना करके इस तरह की हादसों की पुनरावृत्ति ना हो और हमको किसी अधिकारी को भविष्य में नहीं खोना पड़े, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। कितने घंटों के अंदर ये आदेश मिल जाएगा सर? देखिए विजेंद्र जी, जब सरकार की प्रायोरिटी होती है ना तो आप मान के चले कि काम प्रारंभ हो गया है। सर कितने घंटों में, क्योंकि अभी ऑफिशियल ही नहीं है कि भाई जांच कमेटी बना दी गई है, बाकी जितनी खदानें हैं वहां एक औचक निरीक्षण किया जाएगा, एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है सर? विजेंद्र जी हर मंत्रालय का अपना एक सिस्टम होता है और जो सरकार अभी है वर्तमान में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही संवेदनशील सरकार है, हमारी यही प्रायोरिटी रहेगी कि इस तरह की कोई दुर्घटना भविष्य में ना हो। श्याम जी अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि अक्सर जनमानस में ये भावना होती है कि अगर गड्डियां दे दी जाएं तो सब कुछ मेंटेन कर लिया जाए, सब कुछ मैनेज कर दिया जाता है, आपको लगता है कि जो मेंटेनेंस की रिपोर्ट तैयार होती है वो भी एक सेटलमेंट के साथ हो जाती है और इसलिए बड़ी जो इश्यूज होते हैं उजागर होते ही नहीं? मुझे नहीं लगता सर ऐसी जगह पे सेंसिटिव जगह पे ऐसा की नोटों की गड़िया इस्तेमाल करेंगी जहाँ पे जान माल का इतना रिस्क होता है, वहाँ पे इस तरीके का वो मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट कुछ कर पाता है। दूसरा आपको इमीडिएट कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो इमीडिएट जो इसमें ऐसी दुर्घटनाओं पे एक्शन करने वाली जो टीम होती है वो डायरेक्टर जनरल सेफ्टी माइंस होते हैं, जिनका राजस्थान का झुंझुनू जिला है वो अजमेर में मिस्टर सतनारायण जी है वो टैकल करते हैं, तो आपको प्रॉपर रिप्लाई देकर। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी आपका भी शुक्रिया, राजकुमार जी आपका भी शुक्रिया। अब जरा सोचिए हमने एक टॉप लेवल के अधिकारी को खोया है, हमारे मजदूर भाइयों की जिंदगी वहां हर सांस के साथ अटकी हुई थी क्योंकि उन्होंने कई बार शिकायत की थी। फर्स्ट इंडिया की सिर्फ इतनी सी मांग है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जितनी भी इस तरीके की खदानें हैं
वहाँ एक औचक निरीक्षण होना चाहिए और अगर कहीं कमी पाई जाती है तो उसको तुरंत सुधारना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई हादसा ऐसा हो और उस पर हमें फिर से डिबेट करके इन चीज़ों को उजागर करना पड़े। जिंदगी बेशकीमती होती है, उसको ऐसे खोया नहीं जा सकता। नमस्कार।